हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और आज मैं आपको बताऊंगी आपके फेस पर झुर्रियाँ हों, झाइयाँ हों या फिर कोई भी एजिंग का निशान, आप इस तरह के सभी स्पॉट्स को रिमूव कर सकते हैं, अपने फेस को टाइट और फर्म बना सकते हैं, स्किन की चमक को बढ़ा सकते हैं। कैसे? ये है कप थेरेपी। एंड इस कपिंग थेरेपी का यूज़ करके आप फेस पर आ रही एजिंग के सभी तरह के इफ़ेक्ट यानी कोई भी असर हो या फिर निशान हो, इन्हें रिमूव कर सकते हैं। कैसे? आप अपनी स्किन को फिर से टाइट और खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन कप्स को कैसे यूज़ करना है एक बार ज़रूर देखिएगा और जो जो मैं आपको बता रही हूँ उसका ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपका फेस कम्प्लीटली क्लीन होना चाहिए, यानी फेस वॉश अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद आपको कोई भी आपका फेवरेट फेस सीरम आप ले लीजिए, क्योंकि यदि आप फेस सीरम यूज़ नहीं करेंगे या फिर फेस ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आपकी स्किन ड्राई है तो आप कोई भी फेस ऑयल, इवन आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। यदि आपकी स्किन ऑयली है या फिर सेंसिटिव है तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, एंड मार्केट वाला ही यूज़ कीजिएगा क्योंकि इसमें हल्का सा ऑयल होता है। अच्छे से काफ़ी सारा आप जेल या फिर कोई भी सीरम अच्छे से यूज़ कीजिए। तो हमने पहले बहुत ही अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया है, इससे आपको थेरेपी करने में आसानी होगी और कप्स को मूव करना आसान हो जाएगा। तो देखिए रेडी है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि कप्स में बहुत ज़्यादा वैक्यूम होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब के साथ अपनी स्किन को स्ट्रेच करेंगे अपर मोशन में। उसके बाद कप को हल्का सा प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैंने आपको पहले दो पॉइंट बताए हैं। सबसे पहले मिडिल चिन से हमने स्टार्ट किया था और ऊपर बढ़े थे हम। कप को सबसे पहले प्रेस करें, वैक्यूम फिल करें और ऊपर बढ़ें। अब थर्ड पॉइंट यानी नोज पॉइंट से आप फिर से सेम ये बड़े वाले कप का काम है और ये आपकी स्किन को टाइट बनाए। स्किन में जो लूजनेस हो जाती है या फिर स्किन गिरने लगती है, आपने देखा होगा एज के साथ साथ आपकी स्किन का फैट नीचे की ओर लटक जाता है एंड जो पहले वाली आपके फेस पर साइन होती है वो ख़त्म हो जाती है। इस थेरेपी से आप ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलेंगे नेक की तरफ। तो नेक पर सबसे पहले हम डाउन वर्ड यूज़ कर रहे थे, अब हम साइड से इसको यूज़ करेंगे। सेम कप को यूज़ करने का तरीका वही रहेगा कि आपको पहले कप को अच्छे से प्रेस करना है, उसमें वैक्यूम क्रिएट करना है। इससे होता क्या है, इससे आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से होने लगता है। जहाँ भी आपकी स्किन लूज़ हो रही है या फिर गिरी हुई हो रही है या फिर आपने देखा होगा फैट नीचे की साइड डिपॉजिट होने लगता है, ये सभी ख़त्म हो जाएगा और आपकी स्किन में एक शाइन आएगी, स्किन टाइट होने लगेगी और आप बहुत जल्द देखेंगे कि आपकी स्किन का जो शेप है यानी फेस का जो शेप होता है, कट होते हैं, वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब चल रहे हैं हम फॉरहेड की तरफ। तो फॉरहेड पर इसको प्रेस करते हुए पहले आप दो बार ऊपर की तरफ यानी सामने करेंगे, इसके बाद हम इसको डायगनली यानी आईब्रो की साइड ऊपर की तरफ करेंगे दोनों साइड पर। तो हमने आपको सारे पॉइंट बताए, पहले चिन का बताया, फिर माउथ, फिर नोज और ये सारे चीक्स को कवर कर। इसी के साथ ही साथ चीक्स भी आपके कवर हो रहे थे एंड चिन से हम पूरा ऊपर अपवर्ड मोशन में ले जाएंगे, एक भी पार्ट हम नीचे की साइड नहीं ले जाएंगे क्योंकि हमें अपनी स्किन को ऊपर की साइड लिफ्ट करना है एंड टाइट और फर्म दिखाना है, जो कि एज के साथ साथ आपका फैट नीचे की साइड डिपॉजिट होने लगता है, उसे हमें ऊपर की साइड डायरेक्शन देना है। इसी तरह से सेम आपको करते जाना है। ये सारे जितने भी स्टेप हमने अभी आपको बताए, ये सारे के सारे आपको बड़े वाले कप की हेल्प से ही करने हैं। आपको लास्ट में अपनी नेक पर दोनों साइड कप लाते हुए इस तरह से ईयर के पीछे से सारा का सारा हम नीचे की तरफ रिमूव कर देंगे। इससे होता है कि ब्लड में जमा टॉक्सिन्स भी निकलने में मदद करते हैं। अब बारी है छोटे वाले यानी बहुत ही छोटे से कप्स की। इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, इससे आप अपने लिप्स पर कोलाजन का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं।
तो ये भी प्रेस करने पर सेम इसी तरह से वैक्यूम क्रिएट करते हैं। आप इसको लिप्स के ऊपर वाले पार्ट पर यूज़ कर सकते हैं। एंड आँखों की साइड साइड और नीचे आने वाली लाइंस को भी ख़त्म कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के लिए हम अपोजिट हाथ से अपनी स्किन को स्ट्रेच करेंगे, कप से वैक्यूम क्रिएट करेंगे और ऊपर की तरफ इसको हम पुल कर लेंगे, यानी इस तरह से खींच देंगे। इससे जो आँखों के साइड में लाइन आ रही होती है, फाइन लाइंस, ये भी रिमूव हो जाती हैं। जिस पार्ट पे आपका आईब्रो एंड हो रहा है वहाँ से आप लेना स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ फॉरवर्ड करते जाएंगे। इसी तरह से आप दोनों साइड अपनी आईब्रोज पर इसको यूज़ कर सकते हैं। आईब्रो के नीचे इस कप को यूज़ करने के लिए हम इसको एकदम सीधे डायरेक्शन में चलाएंगे, यानी स्टार्टिंग की आईब्रो से एंड की आईब्रो तक हम इसको स्टार्टिंग मोशन में चलाएंगे। ये आपके फेस को लिफ्ट करने के साथ ही आप देखेंगे इवन आपको हल्का सा रिजल्ट इंस्टेंट भी फील होता है, आपके फेस से झाइयाँ झुर्रियों को रिमूव, साथ ही साथ फेस पर ये एक शाइन भी लेकर आता है और जो भी स्पॉट्स होते हैं फेस पर इनको भी ख़त्म करता है। तो ये कपिंग थेरेपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और इसके बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट कीजिए।